तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि DRDO के द्वारा भारत को लगातार आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास किया जा रहा है जो कि डिफेंस के क्षेत्र में किया जा सकता है। ऐसे में मिसाइलों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और बहुत सारे उपकरण जो कि बहुत ही ज्यादा अनिवार्य होते हैं उन सभी के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को किया जा रहा है। और इसी में एक सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है अस्त्रा मिसाइल का, जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है। और हम सभी जानते हैं कि एयर टू एयर मिसाइलों को बना पाना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के कुछ ही देश हैं जो कि इस तरह की एयर टू एयर मिसाइलों को बनाकर तैयार कर पाए हैं। और ये बड़ी बात है कि भारत भी उन्हीं देशों में से एक है जिसके पास आज ऐसी एयर टू एयर मिसाइलें मौजूद हैं। और अस्त्रा फैमिली के नाम से कुल 3 एयर टू एयर मिसाइलें भारत के द्वारा बनाई जा चुकी हैं। अब इसमें जो पहली मिसाइल की बात यहां पर की जाए तो अस्त्रा मार्क बन आती है, जो कि 110 किलोमीटर की रेंज देती है, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अब ये मिसाइल तैयार हो चुकी है, इसके सारे परीक्षण यहाँ पर कर लिए गए हैं, लगभग सभी पैमानों पर इसको पूरी तरह से सफलता हासिल हो चुकी है। फाइनली इसको लेकर एक ऑर्डर प्लेस किया गया जहाँ पर भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना अपने कई तरीके के फाइटर जेट के अंदर इन मिसाइलों को उपयोग करेगी, जैसे कि तेजस है, सुकोई है और MiG-29 एयरक्राफ्ट है। इस तरीके के एयरक्राफ्ट के अंदर इसी मिसाइल को अब यूज किया जाएगा। बाद में तेजस Mark II आएगा, उसके अंदर भी इसको यूज किया जाएगा। साथ ही एमका के अंदर भी इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में TACMS के अंदर भी इस मिसाइल का उपयोग किया जाएगा। और साथ ही भारत यहां पर फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन से भी रफाल के अंदर इस मिसाइल को इंटीग्रेशन करने के लिए बातें कर चुकी है और उसके अंदर भी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में अब यहां पर निकल कर आ रहा है कि अस्त्रा Mark 1 की पहली खेप यहां पर भारतीय वायुसेना को मिल चुकी है, यानी कि इसकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि जहां DRDO के द्वारा इसे डेवलप किया गया है तो वहीं पर BDL के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये मैन्युफैक्चरिंग इस बार की जा रही है कंचन बाग यूनिट में, जो कि हैदराबाद के अंदर स्थित है। ऐसे में रविवार के दिन इस यूनिट से अस्त्रा Mark 1 मिसाइल लोडेड होकर एक ट्रक के अंदर निकलती है और भारतीय वायुसेना को इसकी पहली डिलीवरी की जाती है। और दोस्तों इसको हरी झंडी दिखाने का जो काम किया गया वो रक्षा राज्य मंत्री अजय जी के द्वारा किया गया। और कहने का मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना को अस्त्रा Mark 1 की पहली डिलीवरी यहाँ पर की जा चुकी है और अब इन्हें ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताओं की बातें की जाए तो इनमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंदर ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूल लगा होता है और यही फ्यूज जो लक्ष्य होता है उसके ऊपर नजर बनाए रखता है। इस मिसाइल के वजन की अगर बात की जाए तो 154 किलोग्राम की ये मिसाइल 12.6 मीटर की लंबाई में है। और बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल में किसी भी तरह का वॉरहेड आप लगा सकते हैं, जिसकी क्षमता 15 किलोग्राम तक की होती है। ये 66,000 की ऊंचाई तक जा सकती है और इस दौरान इसकी जो स्पीड होती है वो 5,556.6 किलोमीटर पर आवर की होती है। अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो ये मिसाइल दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट मिसाइल है और इसी के साथ DRDO के द्वारा स्पेशली इस मिसाइल को अपनी कैटेगरी में सबसे सर्वश्रेष्ठ मिसाइल का दर्जा दिया गया है। अब क्योंकि दोस्तों इसकी डिलीवरी भारतीय वायुसेना को यहाँ पर हो चुकी है तो वायुसेना इसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल करेगी और रफाल के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको लेकर फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन से बातचीत अभी चल रही है, जहां पर मंजूरी पहले मिल चुकी है और Su-30 में इसका इस्तेमाल किया ही जा सकता है। तो अब यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि इसके एक्सपोर्ट को लेकर भारत के द्वारा और भी ज्यादा संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, क्योंकि पहले इस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी कि ये वैसे तो विदेशी मिसाइलों की तुलना में बहुत ही ज्यादा सस्ती है और कई मिसाइलों की तुलना में ये आधी कीमत रखती है। और इसके साथ ही ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेसिटी रखती है और इतनी ही रेंज रखती है और काफी ही ज्यादा फास्टेस्ट है, तो विदेशी कस्टमर इसकी तरफ खासे आकर्षित होंगे। और इसके साथ ही दो एडवांटेज हमारे पास ये भी हैं कि एक यहाँ पर राफेल में इंटीग्रेशन किया जा सकता है, न केवल भारतीय राफेल बल्कि दूसरे देशों के जो राफेल हैं उनके अंदर भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। और आपको पता है कि राफेल की संख्या लगातार दुनिया भर के अंदर बढ़ रही है और किस तरह से दूसरे देशों की तरफ से ऑलरेडी डेसॉल्ट एविएशन को अपने राफेल फाइटर जेट्स के लिए ऑर्डर प्लेस किए जा चुके हैं और डेसॉल्ट एविएशन भी लगातार इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में सप्लाई दे रहा है।
ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी सेना भी इसका भारत से परचेज करते हुए अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में इस मिसाइल को माइका मिसाइल के ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है और इसके साथ ही Su-30 MKI के अंदर ये प्राइम वेपन है। अब Su-30 MKI के अंदर जितने भी यूजर्स दुनिया भर के अंदर है इन सबके लिए ये सबसे बेस्ट मिसाइल होगी क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है और ये बियॉन्ड विजुअल भी है। ऐसे में यहाँ पर रशिया की तरफ से जिस तरीके से हथियारों के स्पेयर पार्ट्स के साथ ही हथियारों की सप्लाई अभी रुकी हुई है तो उसको दुनिया भर के अंदर भारत यहाँ पर सप्लाई को कंटिन्यू रख सकता है। तो ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन दुनिया भर के अंदर निकल कर आया है जहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देश जो कि इस तरीके से वेपन्स को यूज करते हैं वो यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसीलिए भारत के अंदर अब ये आशाएं जताई जा रही है कि इसको बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इसीलिए दोस्तों इसको बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा और इसकी कीमतें और भी रिड्यूस की जा सकती हैं और भारतीय सेना यहाँ पर इस मिसाइल को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करेंगी और इन्हीं सारी चीजों के लिए DRDO और BDL को भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बड़ी मात्रा में डिलीवर कर सकती है और साथ ही भविष्य में दूसरे देशों को भी इसी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत की वायुसेना ने अब एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसके बाद में सच मानिए कि यहाँ पर पूरी दुनिया हैरान है। ऐसे में भारत ने न केवल 36 महीने के अंदर फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया बल्कि भारत हथियारों के क्षेत्र में करीब 36 महीने के आसपास ही एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुका है जिस उपलब्धि को हासिल करने में दुनिया के किसी भी देश को 120 महीनों से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी जो कि राफेल फाइटर जेट को बनाती है लेकिन क्या आपको पता है कि राफेल फाइटर जेट को बनाने के लिए एक या दो नहीं बल्कि पूरे 400 कंपनियां मिलकर काम करती हैं और ऐसे में सही मायने में देखा जाए तो 400 कंपनियां अलग अलग कलपुर्जे राफेल फाइटर जेट के लिए बनाती हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि भारत ने केवल 36 महीनों से भी कम समय में अपने स्वदेशी फाइटर जेट के अलावा सुखोई फाइटर जेट के लिए भी 60,000 से भी ज्यादा घटक या फिर कलपुर्जों का स्वदेशी रूप से निर्माण किया है। और दोस्तों वायुसेना की तरफ से ये कहा गया है कि बदलती परिस्थितियों को देखते हुए विदेशी निर्माताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए भारत न केवल बड़े पैमाने पर हथियारों के स्वदेशीकरण पर जोर दे रहा है बल्कि उन हथियारों के कलपुर्जों का निर्माण भी स्वदेशी तौर पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारत ने केवल 3 सालों में स्वदेशीकरण की जो उपलब्धि हासिल की है ऐसी उपलब्धि अमेरिका फ्रांस या फिर ब्रिटेन तक नहीं कर पाए है लेकिन भारत ने 60,000 से ज्यादा हथियारों के कलपुर्जों को स्वदेशीकरण करके दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।